एक्सपोर्ट के लिए कौन सा मार्केट टारगेट करें? हाँ यस, मुझे एक्सपोर्ट में आना है, मुझे इम्पोर्ट में आना है, लेकिन अरे कौन से मार्केट को लेके जाए हम प्रोडक्ट को, ये शायद पता नहीं होता। तो चलो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, विच मार्केट यू कैन टारगेट फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड फॉर योर प्रोडक्ट्स। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच। और यस, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो ज़रूर करें, तब जाके तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी जो आपके एक्सपोर्ट जर्नी को लेके ज़रूर हेल्प करेगी। सो, अगर मैंने बोला कि टारगेट मार्केट आपको अगर चूज़ करना है एक्सपोर्ट के लिए, तो अभी आप क्या करते हो? चलो ज़रा सोच के हम बताते हैं कि वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। आप कमेंट में भी लिख सकते हो ये कि आप अभी क्या कर रहे हो उसके लिए। तो शायद हो सकता है कि कोई बोलेगा, अरे यस वी आर कॉपी पेस्टिंग। तो बोलने के लिए तो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन करने के लिए तो वही करते हैं ना, यू आर कॉपी पेस्टिंग। अगर किसी का देखा आपने कि चलो ओनियन दुबई को ज़्यादा जाता है, तो हमारे लिए भी क्या मार्केट मिला, चलो दुबई को हम ओनियन टारगेट कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि राइस अगर ज़्यादा नेपाल को, बांग्लादेश को जाता है, तो चलो अभी आपको मार्केट पता चला कि बांग्लादेश को राइस ज़्यादा भेजा जाता है। या फिर इंजीनियरिंग अगर जर्मनी को जाता है या फिर दूसरे कंट्री को जाता है, तो आपने भी वही इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट की और सेम आप उसी मार्केट को टारगेट करने के लिए जा रहे हो। लेकिन गलती कब होती है? जब आप लॉस में जाते हो। आपको कब लगता है कि दिस इज रॉन्ग? जब आप कुछ ना कुछ तो लॉस में लेके आते हो, और तब जाके पता चलता है शायद हमारा टारगेट मार्केट ही गलत था, या फिर अभी के समय के लिए वो सूटेबल नहीं था। सो हाउ यू कैन चूज योर टारगेट मार्केट? तो फर्स्ट एक तो ये समझने की जरूरत है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड, कोई भी सेक्टर लो, कोई भी प्रोडक्ट लो, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले ये फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। एक तो पहले मेरा जो प्रोडक्ट है वो अभी इंडिया कौन से मार्केट को सप्लाई करता है, सो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको DGFT साइट पे जाके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप ये डेटा निकाल सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अभी एग्जिस्टिंगली इंडिया कहाँ पे सप्लाई करता है। तो फिर अगर आप वो डेटा निकालोगे तो आपको वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टेप टू अभी क्या करना पड़ेगा, उस डेटा में से आप टॉप 10 मार्केट निकालो, टॉप मिडल मार्केट निकालो एंड टॉप लेसर मार्केट निकालो। अभी डेटा हमें सॉर्टिंग किया गया कि हमें 10 मार्केट ऐसे पता है कि जहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है, 10 मार्केट ऐसे पता है कि जहाँ इंडिया मीडियम सप्लाई करती है, और 10 मार्केट ऐसे भी पता है जहाँ पे इंडिया लोअर सप्लाई करती है। सो अभी लोग पूछेंगे, ओके स्टेप नंबर 3 व्हाट, हाउ आई कैन चूज द मार्केट फ्रॉम टॉप मिडल एंड लोअर, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, अभी एक तो हम टॉप मिडल लोअर के शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, या फिर हम प्लस माइनस ढूंढेंगे कि टॉप मार्केट में जाने के लिए मुझे, मेरे पास क्या होना चाहिए, या फिर टॉप मार्केट के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपके लिए बताऊं तो अगर टॉप मार्केट के बारे में अगर हम बातें करें तो हमें क्या पता चलेगा, टॉप मार्केट में कंपटीशन हायर है, या फिर टॉप मार्केट में लाइक पेमेंट टर्म्स आपके हिसाब से नहीं मिल सकती, मार्जिन्स शायद लोअर हो सकते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्लेयर्स है मार्केट में। सो दीज आर द ट्रेड्स ऑफ टॉप मार्केट। लेकिन अगर प्लस की बातें करें तो ये भी बात अच्छी है कि मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी माइंड में रख के जाना पड़ेगा कि कंपटीशन होने के कारण मार्जिन्स कम हो सकते हैं और आपके हिसाब से टर्म्स कंडीशन नहीं चलाई जा सकती। सो ये अगर मैंने ट्रेड्स देखा टॉप मार्केट का, वेदर इट इज सुटेबल फॉर यू, आर यू दैट पर्सन कि आप मार्जिन कम भी हो तो भी आप मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार हो, या फिर आप ऐसे इंसान हो क्या कि टर्म्स कंडीशन उसके हिसाब से चल रही है तो भी आप उसके लिए कंपैटिबल हो या फिर फिजिबल हो। अगर उसने कहा कि मुझे क्रेडिट ही चाहिए, 30 डेज का क्रेडिट चाहिए, तो यू आर यू रेडी फॉर दैट। तो ये सारी बातें आपको आपके साथ करनी पड़ेगी, और वेदर योर बिजनेस मॉडल, वेदर यू, योर प्रोडक्ट एंड योर सोर्सेस एंड सेटअप आर फिजिबल टू कम्पीट विद दैट, अगर ये उसका आंसर यस आता है तो शायद आपके लिए टॉप मार्केट ओके है। लेकिन अगर नहीं आता तो ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लोअर मार्केट। अभी लोअर मार्केट के लिए हमें क्या पता चलेगा कि लोअर मार्केट में शायद कंपटीशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोडक्ट ही पता नहीं चला अभी, या फिर मार्केट में अवेयरनेस ही ज़्यादा नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं उस मार्केट में जाना चाहता हूँ तो मुझे मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगेगा, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। सो टाइम टू एस्टैब्लिश इन द मार्केट इज हायर, माइट बी प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर, लेकिन वो जो टाइम आपको देना पड़ेगा आप उसके लिए रेडी हो क्या?
फिर ये आपका फिर से सवाल पूछना पड़ेगा कि सच में मैं रेडी हूँ क्या, कि इट विल टेक टाइम बट यस स्टिल आई विल गो अहेड एंड एस्टैब्लिश दैट मार्केट। एंड अगर इसके बिटवीन वाला देखा जाए तो मीडियम मार्केट, कि मीडियम मार्केट में अभी क्या चलता है, माइट बी कॉम्पिटिशन भी होगा, शायद माइट बी अवेयरनेस भी कम होगा। सो ये दोनों का मीडियम कौन है, तो मीडियम मार्केट है। फिर आप कौन से मार्केट के लिए सुटेबल हो, और इसीलिए हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि अगर आपको एक्सपोर्ट में आना है तो पहले थरोली होमवर्क करना सीखो, अपने आप का बिजनेस का होमवर्क रेडी होना चाहिए। मेरे प्लस माइनस मुझे पता होने चाहिए, मेरे बिजनेस के प्लस माइनस पता होने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली इफ आई कैन प्लान माई स्ट्रैटेजी, यस डेफिनेटली यू कैन बिकम एक्सपोर्टर। क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है, लोगों को सब कुछ पता होता है और ऐसे चक्कर में उनको ये पता नहीं होता कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। और कुछ भी पता नहीं है इसका मतलब एक्शन लेने के लिए जो चाहिए वो आपको पता नहीं है, और शायद इसीलिए आज तक आपकी एक्सपोर्ट जर्नी चालू नहीं हुई है। सो आई होप इतने सारे स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए आपके टारगेट मार्केट को ढूंढने के लिए, ये डेफिनेटली यू कैन बिकम एक्सपोर्टर। और वही तो है ना सीक्रेट क्या होता है फिर बिजनेस के लिए, तो जो प्लेयर्स प्ले करते हैं उनका अगर गेम समझ में आए तो शायद आप भी प्ले करोगे, लेकिन थ्योरी पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकली गेम को समझ के। फिर अगर प्रैक्टिकली समझना है तो आइदर आपको खुद लर्निंग करना पड़ेगा, नहीं तो आइदर मेंटोर या कोच को हायर करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड आई होप टारगेट मार्केट के लिए जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए वो भी आपको मिली है। तो मैं आपको भी ये बता रही हूँ, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर असाइनमेंट, कि आपका टारगेट मार्केट मुझे कमेंट में लिख के दोगे। और टारगेट मार्केट ही नहीं लिखोगे, टारगेट मार्केट के साथ वो आपने क्यों चूज किया ये भी आप जरूर लिखोगे। एंड यस आई विल हेल्प यू इन दैट, इफ यू आर रॉन्ग एंड राइट इन दैट मार्केट सिलेक्शन आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोडक्ट। सो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, तब जाके आगे जाके आपकी एक्सपोर्ट जर्नी जरूर चालू होगी। सो टारगेट मार्केट के लिए यस यू कैन टारगेट टू टॉप एज वेल, मीडियम एज वेल एंड लोअर एज वेल, बट बेस्ड ऑन यू एंड योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। टेक एक्शन, गॉड ब्लेस यू।